दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कटोरी ब्लाउज कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की वीडियो में आपको कटोरी ब्लाउज के बारे में बता रही हूँ और ये ब्लाउज जो बता रही हूँ मैं आपको, ये हर साइज का बना सकते हैं, कोई भी साइज हो, जो मैं बता रही हूँ तरीका उसी तरीके से आप बना सकते हैं। तो देखिए मैंने ये बैक एंड फ्रंट नॉर्मल पीस कट कर लिए, तो आपको साइज बता देती हूँ मैंने कैसे कट किया है। तो देखिए ये हमारा बैक पार्ट है जो कि फ्रंट ओपनिंग है इसकी। तो देखिए इसकी लंबाई मैंने विथ मार्जिन 15.5 इंच ली है और देखिए इसका मुड्डे जो है मैंने 6 इंच लिया है और इसका शोल्डर भी 6 इंच लिया है। तो ये तुम्हारा बैक है। तो देखिए इसी ड्राफ्ट को रख के, जैसे आप बैक पार्ट कट कर लेते हैं उसी ड्राफ्ट को रख के आप फ्रंट पार्ट भी सेम कट कर लें, जैसे मैंने ये आगे पीछे दोनों पीस कट कर लिए हैं। तो अभी आपको बताती हूँ इसमें कटोरी ब्लाउज कैसे बनाए। तो देखिए जो ये ब्लाउज है हमारा, ये 40 साइज का है, तो मैंने इसमें 40 साइज प्लस 2 इंच कर दिया जो कि हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन रहेगा। तो अभी आप इस मेथड से कोई भी साइज का बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेक से स्टार्ट करते हैं। तो नेक लेते हैं हम 2.5 इंच शोल्डर से। डीप आप अपने साइज के अनुसार ले सकते हैं, जैसे कि मैं इसको 7 इंच ले रही हूँ तैयार में, 6.5 इंच आएगा, हाफ इंच हमारा शोल्डर पर स्टिचिंग हो जाएगा। अब इसकी हम गुलाई कर देते हैं। और देखिए थोड़ा सा नीचे से ब्रॉड कर दें जिससे कि पूरा ये राउंड शेप हमारी परफेक्ट आ सके। अभी जैसे मैंने आपको बताया ये 40 साइज का है, तो 40 साइज में आप इसको तीन हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं और हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया, तो वो सभी लगा के हम तीन हिस्से में इसको डिवाइड कर लें। जैसे कि ये 12 है तो आपको ये 4-4 इंच में डिवाइड करना है। एक हमने निशान लगा दिया 4 इंच में और देखिए दूसरा हमारा निशान है और तीसरा हमारा ये साइड आ रहा है। इसके बाद ये आर्म होल से देख लें, आर्म होल से आपको 2 इंच लेने, इस तरह से क्रॉस में ले लें और यहाँ पर 2 इंच तक मार्किंग कर दें। तो देखिए ये हमारा एक पॉइंट हो गया और हमने ये तीन हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। अभी हम लेते हैं कप साइज़। तो जैसे आपका कप साइज़ 12.5 है या 11.5 है या 13.5 है, आप उस हिसाब से लें, जो कि हमारा ये कप साइज़ जो है 11.5 इंच है और 1 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेते हैं, तो हम लेते हैं 12.5 इंच। तो आपको हर साइज़ में इसी तरह से करना है। तो देखिए हमने 12.5 इंच पर निशान लगा लिया। अभी इन तीनों मार्किंग को हम यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और एक मार्क हम नेक की तरफ से करते हैं। तो देखिए नेक की तरफ से आपको 5 इंच लेना है और इस तरह से आप एक लाइन ड्रॉ कर लें। और अभी हम बात करते हैं नीचे की, इस तरह से ये हमने स्ट्रेट लिया। अभी हम यहाँ पर गुलाई देते हैं। तो देखिए आपको गुलाई यहाँ पे 1 इंच देना है, जो आप मार्जिन ले रहे हैं ऊपर से नीचे तक का साइज उससे आप 1 इंच इस तरह से लेके और यहाँ पे इसकी गुलाई करते हैं। तो देखिए इस तरह से आएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सेम ड्राफ्ट को कट कर लेते हैं और जो ये पार्ट आपको कट करना है ये इस तरह से स्ट्रेट कट करना है और इसमें से हम बेल्ट निकालेंगे। तो देखिए ये हमारा साइड का पीस है, ये हमारा कटोरी है और ये हमारा बेल्ट है। तो इसको हम साइड में रखते हैं और सबसे पहले नीचे बेल्ट का मेजरमेंट ले लेते हैं। तो देखिए हमारा जहाँ हुक पट्टी आएगा वहाँ पे ये 4 इंच है, उसके बाद हम अपना साइज के अनुसार लेते हैं। तो आपको ये 10.5 इंच ले लें, काम जैसे ज़्यादा होता है तो बाद में आप इसको एक्स्ट्रा कटिंग कर सकते हैं पार्ट जो बचेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे हमारा 3 इंच आ रहा है तो हम हाफ इंच यहाँ पे नीचे की तरफ उतार देते हैं गुलाई के लिए और यहाँ पे हाफ इंच इस साइड में दे देते हैं। और जो नीचे लेना है ये आपको यहाँ पे 2.5 इंच लेना है, 2.5 इंच। अब इन तीनों पॉइंटों को हम इस तरह से गुलाई कर देते हैं। इसमें हमने मार्जिन नहीं लिया है, जो कि हम नीचे फोल्ड करते हैं वो अलग से पट्टी आप कट कर सकते हैं।
तो देखिए ये हमारी बेल्ट भी तैयार हो चुकी है। अभी हम बात करते हैं कटोरी की। तो अभी हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कपड़ा है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्लॉथ नहीं है तो आप पहले जो ड्राफ्ट करते हैं, जैसे मैंने ये ड्राफ्ट किया है बेल्ट ब्लाउज, जैसे नॉर्मल ब्लाउज में कट करने के बाद ये जो ड्राफ्ट था, इस ड्राफ्ट को आप पेपर पे कटिंग कर लें, उसके बाद फिर ब्लाउज पे कटिंग करें। अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्लॉथ है तो आप डायरेक्ट कट कर सकते हैं। तो देखिए अभी जो क्लॉथ था मेरे पास, मैंने इस तरह से क्लॉथ को सेट कर लिया है और हम यहाँ पे इस तरह से जो हमारा ये कटोरी साइज है इस तरह से सेट कर लेते हैं। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे आप मार्जिन ले लें जो कि हमारा स्टिचिंग में जाएगा। पहले तो हम नॉर्मल अपना हिसाब से ड्रॉ कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर मार्जिन लेते हैं। इसके बाद आप क्या करें, जो ये साइड है हमारा नीचे, यहाँ पर 1 इंच आप आगे की तरफ लें और सेम 1 इंच आप इस साइड में भी लें, जिससे क्या है आपकी कटोरी साइज परफेक्ट आएगी। तो अभी क्या करेंगे, जो ऊपर से हमने मार्जिन लिया है इस तरह से इसको ड्रॉ करते हुए यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर दें और नेक को आपको सेम करना है, नेक में कुछ भी आगे पीछे नहीं करना है। और अभी हम हुक साइड की जो पट्टी है हमारी, यहाँ पे भी जैसे मैंने 1 इंच का मार्किंग दे दिया है यहाँ पर, और 1 इंच से लेके आप इस तरह से क्रॉस में ड्रॉ कर लें एक लाइन। ये सभी हो जाने के बाद अभी हम यहाँ पे इसकी लंबाई लेते हैं। तो देखिए जैसे इसकी लंबाई 7.2 आ रहा है, तो इसमें आपको 1.5 इंच नीचे डाउन में मार्किंग करनी है। अभी क्या करेंगे, हम इन पॉइंटों को इस तरह से इस पीस को हटा दें और सेम मार्किंग पे इसको कट कर लेते हैं। देखिए हमने इस तरह से यहाँ तक पूरा कट कर दिया है। अभी हम प्लेट का पॉइंट देते हैं। तो जो प्लेट डालनी है वो 3.5 इंच ले लें, जो हमने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वहाँ से। और जो ये प्लेट है ये हमारी 3 इंच की आएगी, तो इस तरह से 1.5 इंच सेंटर पार्ट से दोनों साइडों में ले लें। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से पॉइंट दे देते हैं। तो ये हमारा प्लेट का पॉइंट है और यहाँ पर आप इस तरह से इसको कट भी दे सकते हैं। तो अभी देखिए आपको करना क्या है, इस प्लेट को इस तरह से यहाँ से पकड़ के इस प्लेट को डालना है और फिर नॉर्मल स्टिच करना है। तो देखिए अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको सिलने के लिए, सबसे पहले तो हमने जो मार्किंग की है यहाँ पे इस प्लेट को स्टिच करेंगे, उसके बाद फिर हमारा जो साइड का पीस है इसको स्टिच करेंगे और उसके बाद नीचे बेल्ट को। तो देखिए मैंने एक और पीस बेल्ट कट कर लिया, क्योंकि 2 पीस लगाऊंगी एक में, तो इससे क्या है सिलाई जो हमारी अंदर की तरफ छुप जाएगी, बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह से ये हमने 4 पीस कर लिए हैं बेल्ट की कटिंग, दो दो दोनों साइड में। और देखिए नेक पट्टी मैंने क्रॉस में कट कर ली है और 1 साइड हुक पट्टी 1 साइड काज पट्टी आएगी। तो देखिए हमने सभी कटिंग कर ली है, अभी स्टिचिंग करते हैं। तो इन साइड में रख देते हैं, पहले प्लेट डाल लेते हैं। तो जो हमने मार्किंग की है इस तरह से फोल्ड कर ले, देखिए सेंटर में हमने इस तरह से मार्किंग कर ली थी और यहाँ से स्टार्ट करते हैं स्टिचिंग। तो देखिए ये हमारी प्लेट डल के इस तरह से तैयार हो गई है। और अभी जो हमारा ये साइड का पीस है यहाँ से नेक से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम स्टिच करते हैं तो देखिए थोड़ा आगे पीछे पीस हो जाते हैं, तो इसीलिए हम इसमें जब भी आप कटिंग करते हैं तो एक्स्ट्रा मार्जिन लें, जिससे क्या है कि आगे पीछे हो भी जाएगा तो आपका करेक्ट साइज़ का ब्लाउज बनकर तैयार हो जाएगा। अभी देखिए जो हमने बेल्ट ली थी, तो अभी इसको हम क्या करते हैं, एक को इसके ऊपर रखते हैं और एक पार्ट को हम यहाँ पर इसके नीचे रखते हैं, जिससे क्या है जो हमारी सिलाई रहेगी वो अंदर की साइड जाएगी, आगे पीछे फिनिशिंग रहेगी। और देखिए जो ये प्लेट है इसको आप इस तरह से फोल्ड कर लें, जिससे क्या है कि जो कप साइज है वो परफेक्ट रहेगा और आप चाहें तो यहाँ से इसको कट भी कर सकते हैं एक्स्ट्रा पार्ट को। तो देखिए अभी हम इसको खोलते हैं, तो आप देखिए ये अंदर की साइड इस तरह से फिनिशिंग आएगी और देखिए बाहर की साइड इस तरह से, आपका कोई भी सिलाई यहाँ पर जो बेल्ट अटैच करी है वो सिलाई नहीं दिखेगी। और अब आप इसके ऊपर किनारे पर सिलाई डाल देते हैं।
अभी देखिए ये जैसे लेफ्ट साइड का, तो यहाँ पे काज पट्टी आएगी, तो सबसे पहले काज पट्टी लगा लेते हैं। तो जो बचे हुए टुकड़े हैं वो मैंने इस तरह से ले लिया और यहाँ से इस तरह से स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से इसकी फिनिशिंग दे देंगे। तो देखिए हमने ये पट्टी भी लगा दी है, नीचे फिनिशिंग दे देते हैं। उसके लिए मैंने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी कट कर ली है और इस तरह से यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं स्टिचिंग। देखिए यहाँ पे स्टिचिंग डाल देंगे और फिर इसको अंदर की तरफ पलट देंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको नीचे फोल्ड कर दिया है और बाद में यहाँ पर तुरपाई करके सिलाई को निकाल देंगे। अभी नेक तैयार। तो देखिए जो नेक पट्टी है हम नेक से स्टार्ट कर रहे हैं, इस तरह से डबल फोल्ड कर लें। तो देखिए मैंने यहाँ पे नेक पट्टी भी तैयार कर ली है और अंदर हम तुरपाई कर देंगे। और देखिए जब साइड फिटिंग कर देंगे हम, तो देखिए इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर हमारा कप बनकर तैयार हो गया है। तो आप इस आसान तरीके से ये कटोरी ब्लाउज बना सकते हैं किसी भी साइज का। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।